हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान बुटीक में। दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कॉलर वाली जो कुर्ती कटिंग होती है उसका आर्मोल किस तरह से कटिंग करें। कई लोग कम कटिंग कर देते हैं या ज़्यादा कटिंग कर देते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके बारे में आज हम आपको पूरी टिप्स देंगे। और सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ये देखिए, हमने एक बैग का पल्ला फोल्ड कर रखा है इस तरह से डबल में। एक ये फ्रंट का पल्ला फोल्ड करके रखा हुआ है दो लेयर में इस तरह से। अब सबसे पहले ये सिंगल पार्ट में था, इसलिए हमने इसको कटिंग करके इस तरह से फोल्ड करके रखा है डबल में। आड़े सूट में था। अगर आपका सूट सीधा है तो आप सिंगल सिंगल भी कटिंग कर सकते हैं या इस तरह से डबल करके कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर से 1.5 इंच छोड़कर इस तरह से फिर निशान लगाना है एक। उसके बाद जैसे कि नॉर्मल हम आर्मोल जो डाउन करते हैं 6.5 इंच पे करते हैं, हम इसमें 7 इंच पे निशान लगाएंगे आर्मोल का, 7 इंच पे। और जो वेस्ट का नाप होगा वो हम नाप के अकॉर्डिंग वेस्ट का निशान लगाते हैं, कमर रखते हैं। जैसे कि इसका हमारा 34 इंच चेस्ट है, 29 इंच कमर है, तो हम इसकी 14 इंच पे रखेंगे कमर। स्लिट जो ओपन होंगे हमारे इसके 21 इंच पे होंगे, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे 21.5 पे। स्केल की मदद से सीधा निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा एक शोल्डर का निशान हो गया, एक आर्मोल का और एक वेस्ट का और एक हिप का। अब जो हमने इसका शोल्डर रखने हैं वो 14 इंच हमारे शोल्डर हैं इसके, तो हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे। 16 इंच होता है, 14 इंच में 2 इंच प्लस करने के बाद तो 16 का आधा 8 होता है, तो 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे दो में डिवाइड कर। और यहाँ पे इस तरह से एक 6.25 इंच पे, 2.75 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी 5.5 इंच जो चौड़ाई है वो रखेंगे इसकी, क्योंकि कॉलर वाला गला है। और लंबाई में इस तरह से निशान लगाएंगे 3 इंच पे और इसको राउंड शेप दे देंगे। अब जो ये हमने 2 इंच इसमें प्लस किया है, ये हर किस कोई भी आपका नाप हो, किसी भी साइज़ की आप कुर्ती कटिंग कर रहे हैं कॉलर वाली, उसमें आप 2 इंच प्लस कर लें जो भी शोल्डर हो आपका। अगर आपका कॉलर वाला नहीं है, बॉट नेक गला है, तो आप उसमें जैसे 14 इंच आपका शोल्डर है तो आप 14 इंच पर ही निशान लगाएंगे, उसमें कोई माइनस नहीं होगा, कोई प्लस नहीं होगा। जैसे कि आपका बैक गला डीप बनता है तो उसमें हम 2 इंच माइनस करते हैं, जैसे 14 इंच है तो हम इसमें 12 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से शोल्डर की कटिंग होती है गले के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, इसी तरह से जो शोल्डर होता है कटिंग होता है कॉलर वाली का, 2 इंच प्लस होता है, चाहे कोई भी आपका नाप हो, कम या ज़्यादा 2 इंच प्लस करके निशान लगाना होता है। नीचे भी हम इसमें इस तरह से निशान लगाएंगे 16 इंच पे, और यहाँ पे नीचे के साइड 1/4 इंच और निशान लगाएंगे। ये आर्मोल डाउन करने के लिए होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये इस तरह से। पर यहाँ से ऊपर की साइड से कम 1 इंच इस साइड से डाउन करना है कंधी, इस तरह से डाउन करनी होती है, परफेक्ट फिटिंग के लिए ज़रूरी है। बाकी जो आपका फिटिंग का नाप है, जैसे कि हमारा 34 है, इसमें 3 इंच प्लस करके 37 होता है, 37 को 4 में डिवाइड करके निशान लगाना है। ये हमारा 9.25 इंच होता है, वेस्ट है हमारी 29, तो इसको भी 4 में डिवाइड करेंगे 3 इंच प्लस करके, तो 29 और 3 32 हो गया, 32 का आधा 8 इंच होता है 4 में डिवाइड करके। ये पे हमारी 18.25, 4 में डिवाइड करके।
घेरा हमारा 19 है और इस तरह से आर्म होल की शेप देनी है। बाजू चढ़ाने के लिए दिक्कत ना आए उसके लिए इस तरह से आप तिरछे में नाप लीजिए इसको। जैसे कि हमारी इसकी 14 इंच पे बाजू चढ़नी है तो इसमें 14 का आधा 7 होता है, तो आधा इंच कम पे हम इसको आर्म होल को कटिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 6.5 आ रहा है देखिए इस तरह से, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब इसमें हम शेप और पट्टी से शेप दे देंगे वेस्ट और हिप की। मार्जिन रख लेंगे 1.5-2 इंच कुर्ती का। अब हम इसको कटिंग करेंगे इस निशान पे। बैक कटिंग करनी है वो कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। इस तरह से निशान लगा लें बराबर से। ये आर्म होल बढ़ती करता है करीब 0.25 इंच, तो इसमें इस तरह से निशान लगा लें। ये देखिए 0.25 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है और 1.5 इंच बैक की पट जो पल्ला होगा ऊपर से एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। अब हम इसको इस निशान पे कटिंग कर लेंगे। ये आर्म होल जो है कॉलर का वो हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे हल्की सी आधा इंच कम से कम राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखिए आप इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो गारंटी के साथ परफेक्ट फिटिंग आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कॉलर वाली कुर्ती कटिंग करने में अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।